मैं दीप्ति अग्रवाल, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मैं बीए पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, उसमें जो विचारक है प्लेटो, तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को डिस्कस करूँगी। प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है और इस आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए उसने अपने राज्य में कई व्यवस्थाएँ की हैं। जैसे उसने न्याय की बात की है, उसने साम्यवाद की बात की है, इसी तरह उसने एक अच्छी शिक्षा प्रणाली दी है प्लेटो ने। वो ये मानता है कि एक आदर्श राज्य की प्राप्ति में शिक्षा एक सकारात्मक साधन है। शिक्षा को इतना महत्व दिया है प्लेटो ने कि रूसो ने तो यहाँ तक कहा है कि जो रिपब्लिक है वो राजनीति पर नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो जो है वो शिक्षा को बौद्धिक रोगों के उपचार के लिए एक मानसिक औषधि की तरह मानता है। प्लेटो ने जो शिक्षा है, शिक्षा का जो सिद्धांत दिया है प्लेटो ने, उसकी जो कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं जिन पर वो आधारित है, वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले तो अगर हम दार्शनिक आधार देखें शिक्षा का, तो प्लेटो ये मानता है, चूँकि वो एक दार्शनिक है इसलिए वो इसी तरह व्याख्या करता है कि जो ज्ञान है वो मनुष्य की आत्मा में निहित है। शिक्षा एक ऐसे वातावरण को जन्म देती है कि वो जो ज्ञान है वो प्रकट होता है। तो शिक्षा मनुष्य की आत्मा में निहित ज्ञान को प्रकट करने के लिए एक वातावरण प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा, प्लेटो का मानना है कि शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क को सक्रिय करती है, इसलिए शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसके व्यक्तिगत, राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य देखें शिक्षा के, तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में कर्तव्य की भावना जागृत होती है। तो मनुष्य एक, इसका राजनीतिक उद्देश्य होगा कि कर्तव्य भावना, अगर मनुष्य अपना कार्य अच्छे से करता है तो वो एक सदनागरिक बन सकता है। और सामाजिक उद्देश्य इसका ये है कि समाज में जो तीन तरह के वर्ग वो अपनी न्याय की व्यवस्था में बता रहा है, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इन तीनों वर्गों में जो सामंजस्य है वो शिक्षा के माध्यम से बहुत अच्छे से बैठता है, क्योंकि व्यक्ति फिर उसी प्रणाली में दीक्षित हो जाता है जैसा राज्य प्लेटो बनाना चाह रहा था। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली व्यवस्था है प्लेटो के अनुसार, यानी किसी एक पर्टिकुलर उम्र तक नहीं बल्कि आजीवन व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर हम प्लेटो की शिक्षा योजना की बात करें तो प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा, यूनान के जो दो नगर राज्य थे, उन दोनों ही नगर राज्यों में शिक्षा की जो अच्छाइयाँ प्लेटो को लगी वहाँ से उसने उन चीज़ों को ग्रहण किया। एथेंस में जो शिक्षा थी वो विचार पर ज़्यादा आधारित थी, यानी वैचारिक विकास व्यक्ति का शिक्षा के माध्यम से हुई, इस तरह की शिक्षा एथेंस में थी। और स्पार्टा में जो शिक्षा थी वो शारीरिक शिक्षा स्पार्टा की शिक्षा की प्रमुख व्यवस्था थी। अनिवार्य शिक्षा थी स्पार्टा में और राज्य नियंत्रित शिक्षा थी। तो प्लेटो ने एथेंस से तो विचार की शिक्षा और स्पार्टा से शारीरिक शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और राज्य नियंत्रित शिक्षा, इन दोनों पद्धतियों को ग्रहण करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर शिक्षा का उसने अपना प्रस्तुत किया। आदर्श राज्य की प्राप्ति का एक सकारात्मक माध्यम है शिक्षा। प्लेटो की जो शिक्षा है वो 6 वर्ष की आयु से चालू होती है और लगभग 50 वर्ष की आयु तक वो शिक्षा चलती है। शिक्षा को हम 3 स्तरों पर देख सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा का प्रारंभिक स्तर, द्वितीय स्तर और दार्शनिक शासक का व्यावहारिक प्रशिक्षण। तो सबसे प्रारंभिक स्तर देखें, इसको फिर हम पुनः 3 भागों में विभाजित करेंगे। 6 से 12 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा है। मम्मी, छोटी बॉल फुटबॉल वाले कहाँ चली गई? नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा है प्लेटो का। एक मिनट बेटा, जो छोटी बॉल फुटबॉल वाली कहाँ चली गई? नैतिक बेटा, बॉल बाद में लेना। छोटी बॉल, इतनी छोटी बॉल फुटबॉल वाली। सुनो, एक मिनट ले जाओ यार। दादा उधर क्यों पहुंच गए बेटा?
तो जो शिक्षा का प्रारंभिक स्तर है वो 6 से 20 वर्ष तक चलता है। इसे पुनः हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले 6 से 12 वर्ष तक की शिक्षा, ये होगी नैतिक और धार्मिक शिक्षा। इसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बच्चों को सुनाएं, उनमें अच्छे संस्कार डेवलप हों, उनमें वो सच्चरित्र बने बच्चे। इस तरह का ज्ञान नैतिक और धार्मिक शिक्षा के माध्यम से दिया जाएगा। फिर होगी 12 से 18 वर्ष तक की शिक्षा, ये होगी व्यायाम और संगीत की शिक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा प्लेटो ने इसका बहुत व्यापक अर्थ ग्रहण किया है। व्यायाम केवल शारीरिक वर्जिश नहीं है बल्कि व्यायाम इससे अधिक है। व्यायाम का संबंध आत्मिक विकास तक है। दूसरा संगीत की शिक्षा, संगीत भी केवल गायन वाद्य नहीं है बल्कि इसमें संस्कार और चरित्र की शिक्षा तक शामिल की है प्लेटो ने। सारी कलाएं इसमें शामिल करी हैं, साहित्य को इसने शामिल किया है संगीत में। फिर जो तीसरा है प्रारंभिक स्तर में, वो है 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा। इस स्तर की शिक्षा में प्लेटो सैनिक शिक्षा को शामिल करता है। व्यायाम और संगीत में प्लेटो का मानना है कि ये दोनों मिलकर के, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। तो ये था प्लेटो की शिक्षा का प्रारंभिक स्तर। इसके बाद हम अगले वीडियो में प्लेटो की शिक्षा का जो 2 स्तर और हैं उनकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।